ये छोटे छोटे हाथ, ये मासूम सा चेहरा, ये भोली सी आंखें, ये 8 साल का लाल सिंह है, जिस उम्र में उसके हाथों में होनी चाहिए कलम और किताबें, उस उम्र में बना रहा है लाल सिंह एक पिस्तौल। और यह पिस्तौल भी खिलौने वाली नहीं है, उससे वाकई चलती हैं गोलियां। निकलता है पिघला शीशा जो ले सकता है किसी की भी जान। जिस बच्चे के मन में होना चाहिए पुलिस, डॉक्टर या इंजीनियर बनने की इच्छा, उससे जब पूछा जाता है कि वह बड़ा होकर क्या बनेगा, तो लाल सिंह के मुख से अनायास ही निकलता है, अभी मैं कट्टे बनूंगा। दिन रात अपने चाचा, पिता, ताऊ और पड़ोसियों को कट्टे बनाते देखकर और उनके काम में मदद कर कर के छोटा सा लाल सिंह भी कट्टे, रिवॉल्वर और पिस्तौलें ही बनाने के ख्वाब देखने लगा है। यह बात और है कि जनमत की टीम जब उससे बात कर रही थी, तब सारे के सारे लोग उसे डॉक्टर बनने की बात कहने को ही जोर दे रहे थे। उसका पिता भी इस बात पर कोई जवाब नहीं दे पाता है। बच्चों को तो हम नहीं सिखाने के पक्ष में, लेकिन सरकार कहीं सहायता नहीं करती, इसके लिए हम बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते, इसके लिए फिर बच्चों को भी ये सिखाना पड़ता है। और मास्टर पैसे के पैसे मांगते हैं, आजकल सरकारी भी क्या है, सिर्फ सरकारियों का नाम है, हर जगह पैसे लगते हैं और पैसे हम दे नहीं पाते तो बच्चों को भगा देते हैं। लाल सिंह स्कूल नहीं जाता, उसके पिता की इतनी कमाई नहीं कि स्कूल भेज सके, फीस भरना उसके बूते में नहीं, और फीस में छूट इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उनको अनुसूचित जाति या जनजाति नहीं माना जाता है। तो ऐसे में हर सिकलीगर का बच्चा लाल सिंह जैसा ही होगा, कोई भी लोहा कूटना नहीं छोड़ पाएगा। विवेक अग्रवाल, इंडिया क्राइम, मध्य प्रदेश।